वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस आज की। ओके तो देखो हमारा यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या चल रही थी बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था। ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। क्या बात करते हैं गाइस? कंडक्टेंस की। ओके स्टूडेंट्स कंडक्टेंस की बात करेंगे। तो पहले अब देखो अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो देखो क्या करना है, आई केमिस्ट्री चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट सर्च करनी है। ठीक है, प्लेलिस्ट पर जैसे आप राइट स्वाइप करोगे प्लेलिस्ट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, उस पर सर्च करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट, तो उसमें सारी वीडियोज अवेलेबल है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होगा, यहाँ पर न्यूमेरिकल डिस्कस होंगे। ठीक है, तो अब देखो न्यूमेरिकल आपको लगाने के लिए आपको सबसे पहला काम फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूले पहले डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस के। ओके बेटा, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो देखो पहला क्या होगा, आर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। आर इक्वल्स टू रो इन टू एल अपॉन ए। इज इट क्लियर और नॉट? देखो वेयर रो क्या होता है बेटा? रेजिस्टिविटी। क्या होती है? रेजिस्टिविटी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। एल क्या होती है? लेंथ ऑफ वायर। ओके बेटा, जिसमें भी निकाल रहे हैं हम, जिसका भी रेजिस्टेंस। ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके बेटा आर, अब देखो यूनिट, यूनिट क्या होती है आर की? क्या होती है बेटा? ओम होती है। ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब देखो रो क्या होती है, रो की यूनिट क्या होती है? रो की भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होती है बेटा। उसकी क्या होती है? ओम मीटर होती है। कितना? या तो ओम मीटर हो जाएगी या ओम सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक हो गया। अब देखो बात आती है, एक बात ध्यान रखना बेटा, कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टिविटी को कापा से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। ओके बेटा, अब देखो जो कंडक्टेंस होता है ना, कंडक्टेंस इनवर्स होता है रेजिस्टेंस का और कापा इनवर्स होता है रेजिस्टिविटी का। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूं तो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कापा इंटू ए अपॉन एल। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो ये क्या होगी, कंडक्टेंस इक्वल्स टू कापा इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा बेटा जी। ओके, अब देखो कंडक्टेंस की यूनिट क्या आएगी बेटा? ओम इनवर्स। यहां पे देख, यूनिट ऑफ क्या होगी बेटा? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी बेटा? ओम इनवर्स। ठीक हो गया, क्योंकि ये इसका इनवर्स है भाई। ओम इनवर्स लिख लो या महो लिख दो। ठीक हो गया, ये लिख दो सिमन। दोनों तीनों सही है। ठीक हो गया। अब देखो कापा की, कापा की क्या होगी बेटा? कापा क्या है? कंडक्टिविटी है इसकी, हो जाएगी ओम इनवर्स। मीटर इनवर्स लिख दो या लिख दो सिमन पर मीटर। सिमन मीटर इनवर्स लिख दो या लिख दो सिमन सेंटीमीटर इनवर्स। तीनों सही है। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो बेटा दोबारा इसी वाले फॉर्मूले पे आओ, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब एल अपॉन ए क्या होता है? सेल कॉन्स्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सेल कॉन्स्टेंट कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी स्टार से बेटा जी। ठीक हो गया, तो R अपॉन रो इक्वल्स टू जी स्टार हो गया सेल कंडक्टेंस। इज इट क्लियर और नॉट? अब रो क्या था बेटा? कापा था, तो हमारा जी स्टार का क्या फॉर्मूला हो गया? R इक्वल्स टू जी स्टार इक्वल्स टू R इंटू कापा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? ठीक हो गया जी। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला जनरेट होगा, ध्यान से देखो, कापा। अब कापा अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा? जी स्टार अपॉन आर। Is it clear or not? इसको और कैसे लिख सकता हूं? और power equals to kappa equals to cell constant upon R. Is it clear or not? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? ठीक हो गया। अब देखो कापा क्या है? कंडक्टिविटी। अब आता है मोलर कंडक्टिविटी। देखो ध्यान से समझो, कंडक्टिविटी एक कंडक्टेंस है जो कि पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है, जिसमें जो सॉल्यूशन रखा है दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस भी यूनिट है। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक हो गया। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है? वो वी वॉल्यूम। मोलर कंडक्टिविटी भी एक टाइप की कंडक्टेंस है जो कि वी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है बेटा जी, और उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होता है और दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच की यूनिट डिस्टेंस होती है। तो क्या हो गया, बस फर्क क्या है? कंडक्टिविटी यूनिट वॉल्यूम के लिए है और मोलर कंडक्टिविटी वी वॉल्यूम के लिए है जो कि वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है। इज इट क्लियर और नॉट?
ठीक हो गया। तो लिमिट मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, किससे, लैम्डा एम से, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो वो क्या होता है, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया। क्या है फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। अब देखो बेटा यूनिट की बात करता हूं, ध्यान से समझना, यूनिट का ही बेटा हेर फेर है सारा। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है सीमन, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये भी सही है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दोनों सही है, कोई भी लिख लो। अब जब लिखोगे तो मैं बताऊंगा क्या चेंज आएगा बेटा जी, ठीक हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, फिर मैं इसको रब करता हूँ, फिर और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले। तो स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने, अब देखो इसको रब करते हैं जल्दी से। तो देखो बेटा तो ये डिस्कस हो गया, अब देखो और कुछ फॉर्मूले। देखो बेटा अब होता है, देखो मोलर कंडक्टिविटी समझ गया, अब आते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये क्या होती है, जब कंसंट्रेशन रीचेस टू जीरो, मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है तब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का टर्म यूज करेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा, लैम्डा नॉट एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। लैम्डा नॉट एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोलेराउस लॉ पढ़ेंगे बेटा, कोलेराउस लॉ के लिए फॉर्मूला देखो, कोलेराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ठीक हो गया बेटा। माइग्रेशन ऑफ आयन्स के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, तो उसके इंडिविजुअल आयन्स के या इधर कैटायन्स और एनायन्स के समेशन के बराबर होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो कैसे बताते हैं, लैम्डा नॉट एम मान लो, ठीक है, लैम्डा नॉट एम क्या हो गया, मान लो एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, वो न्यू प्लस कैटायन और न्यू माइनस एनायन्स में डिसोसिएट हो रहा है, तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट होगी, तो न्यू प्लस स्मॉल लैम्डा, ठीक हो गया, नॉट कैटायन मतलब पॉजिटिव, ठीक हो गया, प्लस न्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया। जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ये आएगा क्वेश्चन, ओके बेटा जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, अब आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी, क्या होता है डीओडी, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ठीक है। तो अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक हो गया, अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है, रेशियो होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो होता है बेटा, ठीक हो गया। तो क्या होगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम होता है, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और लास्ट फॉर्मूला है कंडक्टेंस का, क्या होता है बेटा, अब देखो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं के, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इज इट क्लियर और नॉट। अल्फा की वैल्यू रखेंगे ये, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, तो देखो सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट स्क्वायर एम इंटू 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। तो ये कैसे क्या आएगा बेटा, सी इंटू लैम्डा नॉट स्क्वायर अपॉन, सॉरी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट स्क्वायर एम इंटू लैम्डा एम स्क्वायर माइनस लैम्डा एम ओवर लैम्डा नॉट स्क्वायर एम, इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो सी इंटू लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट स्क्वायर एम माइनस लैम्डा एम, ठीक हो गया। के के लिए ये वाला फॉर्मूला रखेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक हो गया बेटा। तो ये फॉर्मूले भी है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है, ओके बेटा। तो देखो इसको रब कर रहा हूं मैं जल्दी से, ओके जी। तो देखो जल्दी से हमें सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है बेटा। अब देखो पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व करेंगे, ओके बेटा। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, क्या है बेटा, देखो बीच में लाइन खींच रहा हूं मैं, लैम्डा नॉट एम फॉर एनएसीएल दिया है,
पहले ये वाला कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा, जल्दी हो जाएगा। HCl सोडियम एसीटेट के लिए दिया है, कितने कितने दिए हैं, R 126.4, 425.9 एंड 91.0 सेमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट करनी है किसकी, फॉर HAC एसीटेट। ठीक है, किसके लिए, HAC। तो HAC क्या हो गया बेटा, एसिटिक एसिड के लिए कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे होगी, तो लैम्डा नॉट एम किसके निकालनी है, HAC के लिए निकालनी है। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, लैम्डा एच प्लस प्लस लैम्डा AC माइनस। ठीक हो गया। अब देखो क्वेश्चन ये पुट होता है, देखो वैल्यू किसकी है, NaCl HCl NaAC। तो देखो मैं क्या करूंगा, HCl और NaAC को जोड़ दूंगा, उसमें से NaCl घटा दूंगा, तो मेरा HAC आ जाएगा। देखो कैसे, माई लैम्डा नॉट क्या H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ध्यान से समझना है, प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट AC माइनस। ठीक हो गया, माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। इज इट क्लियर और नॉट, देखो इससे प्लस कट, इससे कैंसल, तो क्या बच गया, अरे समझ में आ रही है बात, HAC बच गया, नहीं बच गया, इज इट क्लियर और नॉट। तो किया क्या हमने बेटा, HCl, HCl की कितनी है 425.9 प्लस सोडियम एसीटेट कितनी है बेटा 91, इज इट क्लियर और नॉट, माइनस NaCl की कितनी है 126.4। ठीक हो गया, सेमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इज इट क्लियर और नॉट, प्लस माइनस कर दोगे। ओके नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा जल्दी से देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बेटा। अब देखो पहले ये वाला करवा देता हूं, फिर लास्ट पे आऊंगा मैं। ठीक है, द कंडक्टिविटी ध्यान से देखो, चलो पहले ये वाला करते हैं, आपको नहीं समझ आएगा वाला। देखो रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस ओके जी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। तो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और ठीक है, और बेल आइकन को दबाओ बेटा। कंडक्टिविटी सेल विद 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन है। ठीक हो गया जी, सभी को विजिबल है, KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम दिया है बेटा। ठीक हो गया, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, इफ रेजिस्टेंस को आर लिख रहा हूं, इफ आर ऑफ द सेम सेल, ऑफ द सेम सेल, ठीक है जी, सेम सेल फिल्ड विद 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन का आर कितना दिया है, 520 ओम का दिया है। ठीक हो गया, तो कैलकुलेट करना है क्या, कंडक्टिविटी कापा, ठीक है, एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम। ओके बेटा जी, ऑफ किसकी, 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन की कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया, ओके, कापा दिया है, देखो कापा एक और का दिया है, कापा ऑफ 0.1 कितना है बेटा, 0.1 मोल लीटर इनवर्स का कापा कितना है, KCl सॉल्यूशन का कापा कितना है, 1.29 सीमेन पर मीटर। अब देखो क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूं मैं आपको, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल विद 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन की, देखो 0.1 KCl सॉल्यूशन की का रेजिस्टेंस इतना है। ठीक हो गया, अब सेल सेम है, बस उसमें 0.02 मोल का सॉल्यूशन भरा KCl सॉल्यूशन का, उसका रेजिस्टेंस इतना है। कैलकुलेट करना है कापा एंड लैम्डा एम फॉर 0.02 मोल लीटर इनवर्स का सॉल्यूशन का KCl। तो ठीक है, सेल सेम है, तो उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा, सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो, हमें हमारा क्या फॉर्मूला आया था बेटा, क्या आया था आर इक्वल्स टू क्या था, रो इंटू एल अपॉन ए था। ठीक हो गया, एल अपॉन ए क्या था, जी स्टार था, यानी जी स्टार क्या हो गया, आर इंटू कापा हो गया। ठीक हो गया,
तो पहले सेल कांस्टेंट निकाल लो, वो दोनों के लिए सेम रहेगा, फिर आगे की वैल्यू परफॉर्म करेंगे। तो सेल कांस्टेंट में निकाल रहा हूं, रेजिस्टेंस मुझे किसका पता है, इसका 0.1 सॉल्यूशन का निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, सेल कांस्टेंट रेजिस्टेंस कितना है भाई, कहां गया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल्फ, 100 ओम है, इज इट क्लियर और नॉट, कापा बताओ, 0.1 का 1.29, इज इट क्लियर और नॉट, ये क्या है ओम में, ये क्या है सेंटीमीटर पर मीटर, सीमेन पर मीटर, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 129, इज इट क्लियर और नॉट, 129 मीटर इनवर्स हो गया। तो हमारा सेल कांस्टेंट पता लग गया बेटा। अब देखो भाई, सेल कांस्टेंट पता लग गया, सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि खुद कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो कापा हमें निकालना है, क्या निकालना है, कापा निकालना है किसका, देखो कापा की वैल्यू क्या होती है बेटा, अभी बताई थी भाई, कापा निकाल लो यहां से, कापा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी स्टार अपॉन आर, इज इट क्लियर और नॉट, सेल कांस्टेंट अपॉन आर, सेल कांस्टेंट सेम है, ठीक हो गया। आर रेजिस्टेंस, किस रेजिस्टेंस के लिए निकालना है भाई, 0.02 मोल के लिए निकालना है, 0.02 मोल के लिए 520 है ओम, निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गई बात, ठीक हो गया बेटा, ओके। अब देखो कापा निकल गई तो क्या निकालना है बेटा, लेमडा नॉट एम, सॉरी लेमडा एम, मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा नॉट, लेमडा एम क्या हो जाएगा बेटा, कापा अपॉन सी, अभी बताई वैल्यू मैंने आपको, कापा की वैल्यू यहां से निकाल लोगे 129 अपॉन 520। अब देखो कंसंट्रेशन किसमें है, किसकी निकालनी है, 0.02 मोल लीटर इनवर्स की, इज इट क्लियर और नॉट, हो जाएगा बेटा, कर लोगे, इज इट क्लियर, कोई भी डाउट हो तो फिर दोबारा पूछना, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम, ओके। इसको रब करना पड़ेगा, रब करते हैं इसको, ठीक है जी। तो देखो बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी दे रखी है, द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक एसिड HAC लिख दूं, इज 4.9 सीमेन, 4.95 इंटू 10^-5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इट्स डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट मतलब के, इफ क्या दिया है, लेमडा नॉट एम मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी है, 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इज इट क्लियर और नॉट। तो देखो खत्म हो गया क्वेश्चन, कैसे हुआ, डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो होता है, मोलर कंडक्टिविटी कितनी है बेटा, ये हो गया, कंडक्टिविटी दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मोलर कंडक्टिविटी निकाल दो। अब देखो लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा अपॉन सी, ठीक हो गया, कापा देखो कापा कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, 4.95 इंटू 10^-5 सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो इसमें एक यूनिट कन्वर्जन है, वो ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन किसमें है बेटा, 0.001028 इन मोल लीटर इनवर्स, ठीक हो गया, मोल लीटर इनवर्स। अब देखो ऊपर सेंटीमीटर इनवर्स है, नीचे लीटर इनवर्स, तो कहानी खराब होगी। अब मैंने बताया था आपको लैम्डा एम क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो लीटर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, इज इट क्लियर और नॉट, तो कोई दिक्कत नहीं है करो। देखो 4.95 × 10^-5, अब देखो भाई 1, 2 ध्यान से देखना है बेटा, 1, 2 इस मतलब इसको मैं इधर लाने जा रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5 तो 102.8 × 10^-5 कर दूं, ये तो जानते ही हो, इधर ले जाया, ठीक हो गया, सीमेन दे रखा है, सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, मोल इनवर्स को ऊपर दिया है, ऊपर लीटर लिया है, ठीक हो गया। तो ये क्यों किया, इससे ये कट जाएगा मेरा, इसलिए किया, 4.95 × 102.8 × अब देखो 1 लीटर में 10³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, कितने होते हैं, 1 लीटर इक्वल्स टू 10^3 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो बेटा
10^3 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूं, लिख दिए, ठीक हो गया, सिमन लिखा, सेंटीमीटर इनवर्स लिखा, मोल इनवर्स लिखा बेटा। तो इससे भाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी मेरी यूनिट, क्या हो जाएगी, सिमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इज इट क्लियर और नॉट? बस इसको कैलकुलेशन करोगे अब आप पार्ट, ठीक हो गया। फिर देखो क्या आ गई, लैम्डा एम आ गया, अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। देखो कैसे, जल्दी से देखो बेटा, देखो भाई लैम्डा एम यहां से आ गया, अल्फा निकाल लोगे, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, ठीक हो गया। लैम्डा एम जो आया, लैम्डा नॉट एम 390.5 लिखा है, ठीक हो गया। के आ गया, अब देखो एसिटिक एसिड है ना, तो देखो एसिटिक एसिड के लिए अभी बताया मैंने क्या है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, ठीक हो गया। अरे यस या नो रख दो वैल्यू, जो अभी करा हमने क्या किया, कंसंट्रेशन कहां है, यहां है, अल्फा यहां है, 1 - अल्फा यहां है, तो वैल्यू आएगी यूनिटलेस, यूनिटलेस नहीं आएगी, कुछ और आएगी, ठीक है। तो ये कर लोगे बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, एक बड़ा सा लाइक कर दो बेटा, ठीक है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।